खरगोन जिले के ग्राम सगुर भगुर में मौजूद माँ बागेश्वरी धाम में नागेश्वर मंदिर गुगावा तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा संयोजक नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि माँ नागेश्वर धाम यात्रा गत 7 वर्षों से निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि एवं धर्म जागरण है। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित माँ बागेश्वरी धाम सगुर भगुर में स्थित पवित्र कुंड का वर्णन है। साथ ही बताया जाता है कि कुंड में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष उस कुंड से जल लेकर कांवड़ यात्रा गोगावा नाग नागेश्वर मंदिर पहुंचती है। यह एक दिवसीय कांवड़ यात्रा 27 किलोमीटर 10 ग्राम होते हुए पैदल निकाली जाती है। इस कांवड़ यात्रा में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कांवड़ यात्रा का गोगावा नगर आगमन पर सराफा व्यापारी, करणी सेना, भाजपा मित्र मंडल, अनाज व्यापारी संघ एवं अन्य संगठनों द्वारा जगह जगह मंच लगाकर स्वल्पाहार एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा ग्राम सगुर भगुर से सुबह शुरू होकर शाम तक नाग नागेश्वर मंदिर पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में महा आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। गोगावा से इकबाल हकीम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान इस यात्रा से एक सगुर भगुर नामक स्थान है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी आता है, प्रसिद्ध स्थान है। इस क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जानकारी का अभाव होता है। इसलिए हमने सोचा है कि अपने ही क्षेत्र में वहाँ से जल भरकर गोगावा के नागेश्वर मंदिर में जल लेकर आना है और उस क्षेत्र के बारे में सभी को जानकारी देना है। ऐसा हमारा उद्देश्य था। यह करीब हमारा 7वां वर्ष है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के 25 से 30 गांव से हमारे साथ में जुड़ते हैं और वहाँ से जल भरकर गोगावा चलाते हैं और यहाँ श्री नागेश्वर धाम में जल चलाते हैं। जो आपका जो यात्रा जो होती है वो कितने किलोमीटर की है? ये एक दिन की यात्रा है। सुबह से प्रारंभ होती है, 8 बजे वहाँ से जल भरते हैं, माता जी की आरती करके धीरे से जल भरते हैं और शाम को करीब 6 से 6:30 बजे तक ही आ जाते हैं। करीब इस यात्रा में 10 गांव का भ्रमण होता है और कुल दूरी 27 किलोमीटर की हो जाती है। आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह चौहान, यात्रा से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।